जी, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टूल्स जो हैं वो हम एफबी होलसेल में यूज़ करते हैं। और सबसे पहले मैं बात करूंगा कीपा की। तो कीपा इज़ द मेन टूल इन एफबी होलसेल। अगर मैं कहूं कि कीपा इज़ द हार्ट ऑफ एफबी होलसेल तो ये गलत नहीं होगा। अगर आप कीपा के ऊपर ही अपनी ग्रिप स्ट्रांग कर लेते हैं ना, तो इससे एक्यूरेट और इससे कोई नेक्स्ट लेवल टूल अभी तक मैंने नहीं देखा, क्योंकि इसका डाटा बिल्कुल एक्यूरेट और ये हर एक इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होती है। तो आइए सबसे पहले कीपा को ही देख लेते हैं। ये मैंने आपके सामने कीपा ओपन कर लिया। तो कीपा को यूज़ कैसे करते हैं, इसके ऊपर मैं पूरी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? क्या प्रोडक्ट फाइंड कैसे करते हैं और इसमें और काफ़ी सारे क्या आप किस तरीके से कौन कौन से मेथड हैं जो आप कीपा में यूज करके और प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें से एक डील्स जो होते हैं, डील्स अमेजोन की, वहां से भी प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट व्यूअर में जाके आप लिस्ट जो आपको देते हैं सप्लायर्स, वो भी आप इसमें पुट करके प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है? तो इसको देखते हैं कि अमेजोन में किस जगह शो होता है और किस तरीके से ये वर्क करता है। तो हम उधर देखते हैं अमेजोन पर। तो अमेजोन पे मैं कुछ भी लिखता हूँ, लाइक वाइप्स, बेबी वाइप्स, ठीक है? तो इसमें हम ये वाला ओपन कर लेते हैं, ये क्योंकि इसमें 16 सेलर्स बैठे हैं, तो होलसेल की प्रोडक्ट पे ही हम इसको देख लेते हैं। अच्छा, कीपर इस जगह शो होगा। अभी ये आई थिंक रिफ्रेश हो रहा है, ये आ गया। थोड़ा सा टाइम लगता है लोड होने में, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही ले रहा है। हाँ, ये आ गया। ये देखें, ये कीपा का ग्राफ यहीं शो होता है जहाँ सारी इंफॉर्मेशन वो बता देता है कि कितनी इसकी सेल्स है मंथली और बाय बॉक्स कितना जो है वो सेलर्स के दरमियान, सेलर्स को कितना बाय बॉक्स मिला, कितनी उनको सेल्स मिल रही है, ठीक है? इसके अलावा प्राइस, जितनी भी एक प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है ना, वो ये सारी प्रोवाइड कर देता है कीपा, ठीक है? इवन कि इसका वेट और एक सेकेंड, ये हीलियम का जो है वो इधर नीचे चार्ट शो हो रहा है, जो कि मैं उसको कम ही यूज करता हूँ, मैं कीपा को ही ग्रिप करता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, ये हीलियम का जो है वो चार्ट शो हो रहा है जिसमें इसका सेल्स रैंक है और सारा कुछ है, ठीक है? इसमें प्रॉफिटेबल कैलकुलेटर भी है, तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हैं। ये हीलियम की जो है वो एक फ्री की एक्सटेंशन है, ठीक है, जिसको आप यूज करके, और इसके भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं हीलियम के जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखिए इधर, आप कोई भी पुट करके और आप उसकी कर सकते हैं। आप ये भी एक हीलियम का टूल है फ्री का, आप यूज कर सकते हैं, ये इसकी एक्सटेंशन है, ठीक है? आप उसमें फ्री लॉगिन उसमें कर सकते हैं। मैं कीपा की बात कर रहा था, देखिए कीपा में इसने उसका वेट भी बता दिया, डायमेंशन भी बता दी, कैटेगरी भी बता दी, सारा कुछ बता दिया, ठीक है? तो ये एक नंबर वन टूल है कीपा, जो कि मेन टूल है। नेक्स्ट टूल की बात, नेक्स्ट टूल हमने बात कर ली अपने हीलियम की, कि हीलियम भी आपको सेल्स रैंक बता रहा है। देखिए ये भी सेल्स रैंक बता रहा है और कीपा भी बता रहा है, ठीक है? तो मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आप कीपा के ऊपर ग्रिप करें, ठीक है? जो कि एक ऐसा पैकेज है जिसमें सब कुछ इंक्लूड है, ठीक है? और इसके बाद जो एक और टूल है फ्री, ये पेड है, कीपा जो है वो पेड एक टूल है जो कि पाकिस्तान में 1500 का आपको मिल जाता है शेयर बेसिस में। अगर आपने खुद खरीदना है तो आई थिंक वो 4500 का है जो आप परचेज कर सकते हैं इजिली कीपा की वेबसाइट पे जाके। अच्छा, नेक्स्ट जो टूल है वो है फ्री का, वो ये है, ये आप देख रहे हैं, ये जो ये वाला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन आ रहा है डीएस क्विक व्यू से, आपको वो इंस्टेंट बता रहा है कि देखें इसका एसिनजीएस सोल्ड बाय अमेजोन। मतलब आप कभी भी स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपने रिसर्च करनी है होलसेल प्रोडक्ट्स, तो आप इसको नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि इसको अमेजोन सेल कर रहा है। अब इसमें 2+ है लेकिन अमेजोन सेल कर रहा है, ठीक है? इसका बीएसआर भी वो यहाँ पे शो करवा देता है। इसके अलावा देखें, इस पे जब मैं क्लिक करूंगा, हल्का सा इस पे कर्सर लेके जाऊंगा, तो आपको वो चार्ट भी शो करवा रहा है, ये वाला। ये तो एक कीपा का शो करवा रहा है, और एक सेकेंड, वो भी आया था फिर चला गया। डीएस क्विक वी का मैं बात कर रहा हूँ, इस पे हम करते हैं।
इसकी एक्सटेंशन जो है वो ये वाली है, डीएस क्विक व्यू। आप पर लिखेंगे डीएस क्विक व्यू एक्सटेंशन, क्रोम एक्सटेंशन, तो वो आपको मिल जाएगी। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। डीएस क्विक व्यू एक्सटेंशन फ्री क्रोम एक्सटेंशन, ये आ गया। ये देखें, ये फर्स्ट वाली देखें, ये मेरी हुई हुई है, तो यहाँ आपके आएगा ऐड टू क्रोम। मैंने अब यहाँ पे ये की हुई है तो मेरा रिमूव फ्रॉम क्रोम, ठीक है। और अच्छा अमीर थे। अच्छा जो ये वाले आप देखें, इसमें एसेंस ब्रांड पेम्पर सेलर्स FB, ये क्यों हाइड हुआ? क्योंकि ये फ्री में है, तो फ्री में जितने वो दे सकते थे हमें इन्फॉर्मेशन वो उन्होंने दी हुई है, ठीक है। और बाकी वो कह रहे हैं अगर आप देखना चाहते हो तो आप इसका पेड वर्जन लो। ये टूल है जी, एक सेकंड मैं आपको देख के बता दूं। इसका नाम है Amazon प्रोडक्ट फाइंडर AMZ स्कॉट प्रो एक्सटेंशन, ठीक है। आप इसको गूगल पे लिखेंगे तो वो भी आपके पास शो हो जाएगा। एक सेकंड, ये जो ये वाली है ना, ये वाली एक्सटेंशन, ये वाली एक्सटेंशन, ये है ये वाली अपना, ये वाली Amazon AMZ स्कॉट क्विक व्यू। मैं आपको ये यहाँ पे करके दिखाता हूँ, एक सेकंड। AMZ स्कॉट क्विक व्यू एक्सटेंशन, ठीक है, ये वाली है, ठीक है। अब ये देखिए मेरी तो ये डली हुई है, तो आपके यहाँ आएगा ऐड टू क्रोम, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अब तक आपके लिए जो आप इनिशियल स्टेजेस में, तो आपके लिए ये जो है वो बहुत है। अब देखिए ये भी एक एक्सटेंशन है, अब ये भी मुझे BSR बता रही है, ठीक है। ये एक एक्सटेंशन है डीएस क्विक व्यू, ये देखिए ये डीएस क्विक व्यू का भी चार्ट है, तो जो मैं आपको बताना चाह रहा था। देखिए ये भी मुझे एसन बता रही है, ठीक है। एक ये है, ये भी मुझे एक एसन बता रही है, ठीक है। और एक और है, ये भी मुझे एसन बता रही है। तो आप बजाय ये कि आप तीन करें, आप एक ही कर लें, वो है डीएस क्विक व्यू, ये वाले जो कि जिसका साइज भी छोटा है। अब आप ये देखें कि आप इसको यहाँ से स्क्रॉल कर रहे हैं, तो आप 4 से 5 दफा स्क्रॉल करेंगे, फिर आपका वो प्रोडक्ट खत्म होगा, फिर नेक्स्ट शुरू होगा, ठीक है, फिर नेक्स्ट शुरू होगा। तो लाइक टाइम लगेगा इस पे, तो आप कोई भी एक करवा लें, जो कर लें जो आपको अच्छी लगे। इसके अलावा एक है, अगर आपने अपने कंप्यूटर्स का स्टॉक देखना है, वो है OS ऑटो, ठीक है। हम लिखते हैं क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है, ये वाली, ठीक है। हम इसको ऐड टू क्रोम करेंगे, ऐड एक्सटेंशन, और ये जा रही है, जस्ट सेकेंड, ये ऐड होगी, ठीक है। हम इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। अभी आपको मैं स्टॉक बता देता हूँ, ये हम इधर इसको क्लिक करेंगे, हमें ये स्टॉक बता देगा कि हमारे जो कंपटीटर्स हैं उनके पास कितना स्टॉक पड़ा है। जस्ट अ सेकेंड, इसको मैंने अभी किया है तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देखें ये आ गया। अब इसमें ऑल में 88 स्टॉक पड़ा है। अगर हम FBA की बात करें तो 4, और FBM की करें तो 84, ठीक है। क्योंकि हम FBA करें तो हम FBA को देखते हैं, तो ये 4 है। इससे आप जो है वो स्टॉक देख सकते हैं। इसके अलावा आप कीपा में भी देख सकते हैं। कीपा में जिस तरीके से मैंने आपको बताया ना कि कीपा पे आपकी जब ग्रिप हो जाएगी ना, तो कीपा से कोई बड़ा टूर ही नहीं है, ठीक है। अब ये देखें, ये आपको बता रहा है स्टॉक कीपा, ठीक है, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट है। समटाइम्स ग्लिच वगैरह आ जाते हैं, एरर्स आ जाते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम ये बिल्कुल एग्जैक्ट बताता है, ये देखें, ठीक है। इसके अलावा आप इसका यहाँ से भी देख सकते हैं कीपा के, यहाँ इसके अलावा एक और भी तरीके है कीपा में, आप किस तरीके से आप देख सकते हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि इसके पास अमेजोन के पास 4 यूनिट्स पड़े हैं, बाकी सारे आउट ऑफ स्टॉक हुआ है। आई होप सो कि आज की वीडियो में आपको समझ आ गया कि कौन कौन से टूल्स आप यूज करके और जो है वो प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।